हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों की डिमांड पर एक वीडियो लेकर आया हूँ, स्ट्रेटजी प्लान लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। 90 दिन का पूरा स्ट्रेटजी प्लान है ना, क्योंकि 15 दिसंबर से टेंटेटिव डेट आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो सकता है और जिसकी पूरी पूरी उम्मीद है। तो बिल्कुल एक पूरा स्ट्रेटजी प्लान मैंने यहाँ पर बनाया है और 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। एक एक पॉइंट को क्लियर करके समझना, एक एक बात को अच्छे तरीके से समझना। जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताकर चलूँगा उनको आप इम्प्लीमेंट करना अपनी स्टडी में, जो भी जिस भी तरीके से आप पढ़ रहे हैं है ना, उनको उसी हिसाब से मैनेज करके चलना। डेफिनेटली आप रिजल्ट निकाल पाएंगे। सीबीटी फर्स्ट का ये पूरा प्लान मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, तो सीबीटी फर्स्ट डेफिनेटली आप क्लियर कर पाएंगे। तो वीडियो को टिल एंड तक देखें, एक एक बात को क्लियरली समझ के चलें। तो 90 दिन का ये हमारा स्ट्रेटजी प्लान है पूरा, ठीक है, जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में 30 डेज, सेकेंड में 30 डेज और लास्ट में 30 डेज, ठीक है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी घंटे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको एक मैनेज कर लीजिए कि हमें डेली करीब करीब इतना घंटा तो पढ़ना ही पड़ना। मतलब जैसे कि कुछ बच्चे यहाँ पर 6 घंटे की तैयारी कर रहे हैं, 8 घंटे की तैयारी कर रहे हैं, मैं मानता हूँ 6 घंटे 8 घंटे भी काफी है अगर मन लगाकर आप इतनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाले मंथ में आपको जो पहले 30 डेज है वहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक मॉक टेस्ट। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी, एक मॉक टेस्ट। काफी बच्चे ऑलरेडी पहले से लगा रहे होंगे, हमें क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है, ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाने इस पहले वाले मंथ में, ठीक है। इस पहले वाले मंथ में जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 100 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए। आपने 60 किए, आप 50 ही कर पाए, ठीक है, तो करीब करीब जो भी आपका स्कोर बनेगा तो वो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको पहले मंथ में एक मॉक टेस्ट लगाना है, उस मॉक टेस्ट में आपको ये देख लेना है कि आपने कितना स्कोर किया। अब आपकी तैयारी इस लेवल पर है, इसका मतलब यह है कि जब आपने तैयारी शुरू की तो आपकी तैयारी यहां इस पायदान पर है कि आप 60 पर हैं या 50 पर हैं, ठीक है। अब इसको आपको लेकर जाना है 80+ 85+ तक, ठीक है, उन 3 महीनों की तैयारी में। तो करना क्या है, आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं यहां पर, जीके, रीजनिंग, मैथ। जीके को मैं यहां पर 2 सब्जेक्ट में डिवाइड करूंगा, एक सिंगल सब्जेक्ट में नहीं रखूंगा, जीके को मैं यहां 2 सब्जेक्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है। जैसे कि एक तो मैथ्स हो जाएगा आपका, एक रीजनिंग हो गया आपका यहां पर, ठीक है, और जीके में एक जीए हो गया और एक हो गया आपका जीएस, यानी कि साइंस वाला पार्ट, ठीक है। तो जीए और जीएस दोनों को मैं अलग अलग पार्ट में रखता हूं क्योंकि दोनों अपने आप में इतने ब्रॉड हैं, इतने बड़े हैं कि उनको अलग सब्जेक्ट में रखना ही उचित होगा, क्लियर। तो आपको करना क्या है, पर डे आपको एक टॉपिक उठाना है। कोई टॉपिक बड़ा हो सकता है, मैथ्स में, मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, कोई टॉपिक बड़ा हो सकता है उसको 2 दिन में कर लीजिए, जो छोटा टॉपिक है उसको 1 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। और करीब करीब यहां पर आपको इसको समय देना है 1.5 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे का समय आपको मैथ्स में देना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है। जो भी क्वेश्चन आपका रह जाता है उसको मार्क करते चलिए, छोड़ते चलिए। रीजनिंग में भी सेम, आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा जितना भी आप देना चाहते हैं रीजनिंग, हालांकि कम भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, मुश्किल से 20-22 के आसपास टॉपिक हैं, ठीक है, तो ये कवर हो जाएगा। जीए में आपको पढ़ना है मेन, जो पढ़ना है स्टेटिक जीके आपको मेन पढ़ना है और साथ ही करंट अफेयर पर आपको ज्यादा ध्यान देना है जीए में, जनरल अवेयरनेस। स्टेटिक जीके मतलब नदियां, नदियों के किनारे शहर कौन से बसे हुए हैं, बांध कौन सा है, कौन सी परियोजना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, कहां पर हैं, ठीक है। और साथ ही हम ये बात करें कि कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, फसल कौन कौन सी हैं भारत के अंदर, क्लियर। लोक नृत्य कौन से हैं, कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर होते हैं, ठीक है, फेस्टिवल कौन कौन से हैं,
तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा अपने माइंड में लेकर चलनी है। झील कौन कौन सी हैं, बैटल्स हुई हैं, वो बैटल्स कौन कौन सी हैं, इस वक्त सीईओ कौन है कंपनी का, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कौन से स्टेट के गवर्नर कौन है, कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो ये स्टेटिक जीके का पार्ट है। यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, यूएनओ से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो उनको आपको बारी बारी से एक एक टॉपिक को एक एक दिन में कंप्लीट करके चलना है। और मैं मानता हूँ एक टॉपिक से मैक्सिमम 50-60 से आसपास क्वेश्चन होंगे, तो वो भी आप अगर ठीक से डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे तो एक से डेढ़ से दो घंटे में उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर आप कर लेंगे। सेम अब आपको जीएस पे आना है, जीएस मतलब जनरल साइंस, इसकी बहुत ज्यादा वेटेज रहेगी एग्जाम में। हर बार रेलवे के एग्जाम में वेटेज ज्यादा होती है, 40 में से 20 प्लस क्वेश्चन आपके जीएस से सीधे सीधे पूछे जाएंगे। और यहां पर भी सबसे ज्यादा जो वेटेज रहेगी वो बायोलॉजी की रहेगी। ये सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से और 5-5 क्वेश्चन या 4-4 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। तो यहां पर भी बारी बारी से आपको इसको एमसीक्यूज पर खत्म करते चलना है, एमसीक्यूज और वन लाइनर। भाई मैं आपसे कहूं कि डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, तो डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के लिए ना तो आपके पास समझ है इतनी और ना ही आपके पास समय है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पढ़ सकते हैं, कुछ मेन टॉपिक्स आप डिस्क्रिप्टिव पढ़िए जो आपको समझ, जहां पर आप समझ बना सकते हैं, जिन टॉपिक्स में ऐसा है जैसे पाचन तंत्र हम पढ़ लेते हैं, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर हमारी विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, है ना, ये सारी चीजें, तो इन पर आप अगर डिस्क्रिप्टिव वे पर भी जाएंगे तो आपको क्लियरली चीजें सीधे तौर पर समझ में आएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ ये टॉपिक नहीं है। तो वो आपको पहले महीने में ये सारी चीजें आपको कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। मॉक टेस्ट मैंने स्टार्टिंग में एक मॉक टेस्ट बोला है और उसके बाद फिर 15 दिन में आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। डेली मॉक टेस्ट यहां पर आपको लगाने की जरूरत नहीं है, 15 डेज पे मॉक टेस्ट लगाइए, यानी कि एक महीने में दो मॉक टेस्ट लगा लीजिए, काफी है। क्योंकि यहां पर आपको अपने आप को मजबूत बनाना है, अपनी नींव को मजबूत करना है, ठीक है, अपनी नींव को मजबूत करना है। यहां पर अभी युद्ध के लिए नहीं तैयार हो, अभी क्या है, अभी मॉक टेस्ट लगाने से बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होगा। स्टार्टिंग मॉक टेस्ट से आपको पता चल गया कि आपने कितनी तैयारी की, बीच में एक मॉक टेस्ट जब 15 दिन पर आएगा तो ये पता चल जाएगा कि कितना इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। मेन जो मॉक टेस्ट की बात आएगी वो आगे आएगी, तो यहां पर पहले मंथ में आपको ये काम करना है। आ जाते हैं अपने दूसरे मंथ में, जहां पर अगले 30 डेज में आपको करना क्या है, अगले 30 डेज में जो भी मैथ में ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे बोला था कि जो छूट जाते हैं या रॉन्ग हो जाते हैं, वो सवालों पर आपको ध्यान देना है। जैसे कि मैंने मैथ्स में बोला ना कि डेली एक टॉपिक कीजिए, दो दिन में एक टॉपिक को कीजिए, तो जहां पर जो सवाल आपने मार्क किए थे उन सवालों पर आपको अब की बार आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो सवाल आपको पहली बार में हो गए वो डेफिनेटली दूसरी बार में भी हो जाएंगे, तीसरी बार में भी हो जाएंगे, जब आप एग्जाम में जाएंगे तब भी हो जाएंगे। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, उन सवालों का जो सवाल नहीं हो पाते, मुश्किल से ऐसे सवाल एक टॉपिक में कितने बनेंगे, 20 बन जाएंगे, 15 बन जाएंगे, ठीक है, 25 बन जाएंगे, तो वो आपको वहां पर ध्यान देना है। समय अभी भी आप उतना ही देकर चले, एक से डेढ़ घंटा, दो घंटे, जितना भी आप मैनेज करके चल रहे हैं, ठीक है। सेम रीजनिंग में भी आपको वही चीजें अप्लाई करनी है, रीजनिंग में भी आपको सेम वही चीज अप्लाई करनी है, क्लियर। और जो जीए में बोला है और जीएस में, देखिए यहां पर जितना आप अपना लर्निंग सिस्टम बढ़ाएंगे उतना ही बेनिफिट है। जितने ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स आप तैयार कर लेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज तैयार कर लेंगे उतना बेनिफिट है। यहां पर आपको समझना नहीं है चीजों को, याद करते चलना है, उनका रिवाइज करना है। मेन मुद्दा रहेगा सेकेंड मंथ में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना, ठीक है। हमने चीजें बहुत सारी पढ़ ली लेकिन अपने आप को रिवाइज ही नहीं किया, है ना, रिविजन ही नहीं किया, तो उस पढ़ाई का क्या फायदा। रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बगैर रिविजन आप एक अच्छा स्कोर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो रिविजन पर मेन फोकस आपका रहना चाहिए इन 30 दिनों में, ठीक है। अब आप मॉक टेस्ट लगाइए हर 10 दिन पर, 10 डेज पर एक मॉक टेस्ट, यानी कि एक महीने में कितने मॉक टेस्ट आप लगा लेंगे, 3 मॉक टेस्ट। साथ ही मॉक टेस्ट को आप एनालाइज भी कीजिए। आपने 3 मॉक टेस्ट लगाए तो आप ये एनालाइज कीजिए, ये देखिए कि आपने कहां पर, मान लीजिए आपने 70 क्वेश्चन ठीक किए तो 30 क्वेश्चन जो गलत किए हैं वो गलती की वजह क्या है, उस वजह पर ध्यान दीजिए, उन टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए जिन टॉपिक से वो 30 सवाल पूछे गए हैं, है ना, उनको इंप्रूव करके आपको चलना है। ये आपका मेन मकसद होना चाहिए सेकेंड मंथ पे, ठीक है। इतना करने के बाद आप
एग्जाम की तैयारी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, लेकिन अभी भी आपको और मजबूती अपने आप को प्रदान करनी है। भाई हमने सारा सिलेबस एक महीने में पढ़ लिया, जो जो चीज़ें थी, दूसरे महीने में हमने जो कमियां थी उन कमियों को ख़त्म कर लिया, साथ ही हमने रिवीजन कर लिया ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है जो सेकेंड मंथ होगा वहाँ पर आपको अपना जो स्टडी टाइम है उसको इंक्रीज भी करना पड़ेगा। मतलब जैसे 6-8 घंटे मैंने एक एवरेज बताया है, तो अगर आपको समय मिल रहा है 10-12 घंटे भी लगाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। भाई एक महीने बाद आपका एग्जाम है, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर पाएंगे, है ना, ये मत सोचिए कि ये चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, जो चीज़ पढ़ रखी होती है वहाँ भी हम गलती कर देते हैं एग्जाम टाइम में, तो उनको भी रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है। मेन मकसद रिवीजन का है। थर्ड में आते हैं, थर्ड मेन रहेगा। इस थर्ड में आपको करना क्या है, इस थर्ड में क्या करना है, डेली लगाना है आपको एक मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट। एक 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन का, ठीक है, एक मॉक टेस्ट लगाना है 90 मिनट का। ये डेली होगा, 30 दिन में 30 मॉक टेस्ट आप लगा लोगे, ठीक है। डेली मॉक टेस्ट आपको लगाना है, 1.5 घंटा आपका यहां खर्च होगा। हर मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, चाहे उसमें 70 आपका आए, 75 आए या 80 आए। अब मान लीजिए 75 आए या 70 आए, तो जो भी 20 25 30 सवाल आपसे नहीं हुए हैं वो किन किन टॉपिक्स से हैं, वो टॉपिक्स पर जाइए तुरंत के तुरंत। ये नहीं कि इस काम को मैं बाद में करूंगा, तभी के तभी, है ना, उसी स्टडी टाइम के दौरान आपको ये काम करना है। तो उन टॉपिक्स पर जाइए, उन टॉपिक से देखिए कि ये वाला सवाल मेरा गलत हुआ है, किस वजह से हुआ, उस तरह के 2-3 सवाल तैयार कर लीजिए, मैथ है या रीजनिंग है, ठीक है, आपका मजबूत हो जाएगा वो सवाल, वो फिर गलत नहीं होगा कभी भी जिंदगी में। जीके में अगर गलती की है तो जीके में उसको तैयार कीजिए, किस तरह के टॉपिक से वो सवाल पूछा गया, स्टैटिक से पूछा गया या करंट से पूछा गया या फिर जनरल साइंस से पूछा गया, तो कहां से वो सवाल पूछा गया जो सवाल आप नहीं समझ पाए थे, नहीं कर पाए या फिर गलत कर पाए, है ना। तो यहां से अपने आप को, आपको फाइनल टच देना है, इसलिए अपने आप को हर मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है और अपने आप को तैयार करते चलना है, डे बाय डे। इस पूरे काम में मैं मानता हूं कि आपका 4-5 घंटा खर्च हो जाएगा। 5 घंटे मैंने मान लीजिए खर्च कर लिए, 1.5 घंटे का आपका टेस्ट हो गया, बाकी 3.5 घंटा मैंने आपको दे दिया कि इसको पूरे को एनालाइज कर लीजिए एक टेस्ट को। 30-35-25-30 क्वेश्चन कर, 3 घंटे मैंने बहुत ज्यादा दे दिए, 3.5 घंटे, लेकिन मैंने फिर भी दे दिए कि उसके साथ साथ आप और भी चीजें तैयार करोगे, इतना, है ना। बाकी आप जो भी आपका वीक पॉइंट है, चाहे वो मैथ्स में जो टॉपिक वीक है, भाई मुझे मेंसुरेशन में प्रॉब्लम है सर, मेंसुरेशन का टॉपिक तैयार कर लो 1 घंटा डेली। ज्योमेट्री वीक है, ट्रिग्नोमेट्री वीक है, टाइम एंड वर्क है, तो इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ टॉपिक होते हैं ना जब जिनमें रहता है कि कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता, तो उन टॉपिक्स पर काम कीजिए। डेली जीके जीएस में एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे डेली 2 घंटे के अंदर, या ना डेली 100 MCQs या 150 MCQs डेली तैयार करने हैं अगले आने वाले 30 दिन के लिए। इतना काम कीजिए। क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है, उसको एनालाइज करना है, जो भी 2-3-4 घंटे का समय लगेगा इस पूरे प्रोसेस में, जो भी मैथमेटिक्स में आपका वीक टॉपिक है उस टॉपिक को तैयार कर लेना है, उसको रिवाइज करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, फॉर्मूले की प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आती है वो तैयार करनी है। साथ ही जीके जीएस में 100, 150, 200 MCQs का टारगेट बना लीजिए कि इतना मुझे तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स, ये है पूरे 3 महीने की RRB NTPC एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी, पूरी रणनीति। आई होप कि आपने मेरी एक एक बात को क्लियरली समझ लिया होगा और अब उसको आपको समझने के बाद उसको अमल में लाना है, ठीक है। डेफिनेटली 100% इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप CBT फर्स्ट एग्जाम, RRB NTPC CBT फर्स्ट एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। तो जैसे जैसे मैंने बताया उसी प्रोसेस से आज से ही लग जाइए। अभी तक जिस तरह से तैयारी कर रहे थे, ठीक है, उसको छोड़िए और जो मैंने बताया है उसको अमल में लाइए। डेफिनेटली आप पॉजिटिव रिजल्ट यहां पर हासिल करेंगे। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए मैं लगातार आपके लिए आता रहता हूं। कभी स्ट्रैटेजी प्लान हुआ, मोटिवेशनल वीडियो ही, या कोई अदर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी
जानकारी हुई वो लगातार हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इसलिए आप हमारे इस गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ऑल ऑप्शन के साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। वीडियो पसंद आ गई है तो जल्दी से इसको लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाकर और फाइनली आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो मुलाकातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेस्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय, थैंक यू।